आपने खोया की बर्फी तो बहुत बनाई होंगी, लेकिन वो जमती नहीं है, क्यों? आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपकी खोया की बर्फी एकदम परफेक्ट जमेगी। तो मैंने ली है 2.5 कटोरी चीनी। जिस कटोरी से हम चीनी लेंगे उसी कटोरी से हम पानी को मेज़र करेंगे। 2.5 कटोरी चीनी के लेने के बाद मैंने इसमें 3 कटोरी पानी को ऐड किया है। और फिर मैं इस कढ़ाई भी बना रही हूँ, आप कोई बर्तन में बना सकते हैं। फिर मैंने इसे गैस पर रख दिया है पानी डाल के, और इसमें उबाल आने दिया है और चाशनी बनने का वेट किया है। चाशनी लगातार आपको चलाते रहना है, और चाशनी बनने के बाद कुछ टाइम बाद आपको चेक करना है पानी में डालकर। फिर जो हमने चाशनी डाली है उसको हाथ से उठाना है। अगर उसके बॉल्स बन रही है तो ठीक है, अगर बॉल्स नहीं बन रही है तो चाशनी को और पकाइए। जब तक चाशनी को पानी में डालने का बॉल्स परफेक्ट नहीं बन रही है तब तक चाशनी परफेक्ट नहीं है। जब बॉल्स बनने लगे तो समझो चाशनी एकदम परफेक्ट है बनेगी। तो चाशनी बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें हमने 400 ग्राम खोया, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स आप जो भी आपकी इच्छा है वो ऐड कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा और फ्लेवर ऐड करने के लिए, इसका थोड़ा और स्वादिष्ट लगे, इसके लिए मैंने इसमें ऐड किया है चोया। चोया जो आता है मार्केट में, मुझे भुना हुआ चोया मिल गया है। इसमें मैंने करीबन 50 ग्राम चोया को ऐड कर लिया है। उसके बाद मैंने इसे 2 मिनट गैस पर और रखा है। 2 मिनट के बाद मैंने इसमें थाली में अच्छे से देसी घी को लगा लिया है। उसके बाद उसमें मैंने सारे जो मैंने बनाया था खोया का जो मसाला उसको उसमें फैला दिया अच्छे से, और डालते डालते मेरी खोया की बर्फी बिल्कुल जम के रेडी हो गई है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कट भी रही हैं, और बहुत आसानी से एकदम पूल शेप में बर्फी निकल आई है। तो आपको ध्यान रखने की बातें क्या हैं कि आप बर्फी बनाएं और आपकी बर्फी एकदम परफेक्ट जमे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपकी चाशनी परफेक्ट बने। जब आपकी चाशनी परफेक्ट बनेगी तभी आपकी खोया की बर्फी परफेक्ट बनेगी। चाशनी परफेक्ट होने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा चाशनी को पानी में डालकर कि अगर पानी में चाशनी डालने से अगर बॉल बन रही है चाशनी की तो इसका मतलब कि चाशनी एकदम परफेक्ट है। सेकेंड बात इसमें याद रखनी है, जिस भी थाली या जिस प्लेट में आप जमाए खोया की बर्फी तो उसमें अच्छे से देसी घी लगा होना चाहिए, चाहे आप तेल लगा सकते हैं तभी वो अच्छे से इसमें से निकल पाएंगी। तो इन दो बातों का आप ध्यान रखें और आपकी बहुत अच्छी खोया की बर्फी जम जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बर्फी निकल कर तैयार हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।